अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा इस्मानी। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ वन में इससे पहले जीएफएस की एक अफ्तार डिनर पार्टी हुई थी, जिसका अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ वन में ऑफिस स्टाफ जो है वो एक गेट टुगेदर इन्होंने की है अफ्तारी और डिनर के सिलसिले में। तो फ़ेज़ वन में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलें चल के इस अफ्तार और डिनर का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाए इस वक्त जो है यहाँ पर एक गहमे गहमी का आलम है, इसलिए कि अफ्तार में थोड़ा ही सा टाइम रह गया है और सारे लोग माशाल्लाह से बैठ चुके हैं अफ्तारी के सिलसिले में। 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला ये अफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये दिलजाबाद की टीम बाहर आ रही है और ये भी अफ्तारी में शिरकत करने के लिए जा रही है। जैफा साहब जा रहे हैं, बिलाल साहब हैं, फहद भाई हैं, जैगम हैं और आप भी दिलजाबाद के। रमज़ान के हवाले से जो ये सिलसिला होता है, इस तरह ये है कि आपस में मिल बैठने का एक मौका मिलता है। तो टीम ने, यहाँ की स्टाफ मेंबर्स ने एहतमाम किया है। राजा भाई भी मौजूद है। राजा कैसे हो, मुश्किलात हो? राजा शरबत फराहम कर रहे हैं, माशाल्लाह से लोग बैठ चुके हैं। हमारी दिलजाबाद की टीम भी, हमारी दिलजाबाद की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और इस मोर्चे पे जो है वो हमारी टीम बहुत मुस्तैद होकर बैठ गई है। बिलाल भाई के सामने जो तरबूज और खरबूजे की देग रखी हुई है। फहद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? हाँ, अल्लाह का करम है। फहद भाई, यहाँ जो आप आए हैं फेज़ वन के ऑफिस में, स्टाफ की तरफ से एक सिलसिला किया गया। मैं नहीं आया, मैं तो यहीं होता हूँ। हाँ, नहीं, यहाँ जो बाहर आप आए तो कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है? यार आखिरी के 3-4 मिनट रह गए तो अच्छी फीलिंग आ रही है, बस सामने रख दिया गया है। ठीक है, लाइए। बिलाल भाई आप कैसे? मुबारक हो बिलाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्र के बाद बिलाल भाई के आगे रखें ये सारी चीज़ें। बिलाल भाई, ये आपके सामने है और तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, ये सारा मालूमता आपके लिए है। जैगम भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम जैगम भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप पूरे रोजे आपके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे और आमीन आमीन रमजान करे। शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सब ठीक है? अल्लाह का करम है। मुज़फ़्फ़र भाई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, जी जी, आपके भी पूरे रोजे आ रहे हैं माशाल्लाह। आपके एक दो दिन रोजे रह गए, जी जी बिल्कुल, बस आखिरी ईद के दिन करीब आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त, उसके बाद ये दिन अब थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी में, तो मैं आपको दिखलाता हूँ कि शरबत का एहतमाम है वहाँ पर माशाल्लाह। और बहुत ये स्टाफ ने खुद मेहनत की है, खुद स्टाफ, मैं देख रहा था कि स्टाफ खुद लगा हुआ था, काट रहे थे। अनिल साहब वो भी लगे हुए थे, वो भी काट रहे थे खरबूजा तरबूज वगैरह, और सब मिल बांट के इन लोगों ने ये एक सिलसिला किया है। एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है इससे, आपस में मोहब्बत का एक मोहब्बत बढ़ती है, जिससे कि अफ्तारी तो हम सब कर ही लेते हैं अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी घरों में, लेकिन जो आपस में मिल बैठ के एक सिलसिला किया जाता है, जीएफएस की तरफ से जो एहतमाम किया जाता है, वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैमाना होता है, जो हमने एक कवरेज भी की थी। लेकिन ये स्टाफ ने मिल के, आपस में मिल के जो एक अफ्तारी का एहतमाम किया है वो बहुत शानदार है। ज़ुबैर भाई मेरे साथ मौजूद है। ज़ुबैर भाई, ये एक छोटा सा एहतमाम आप लोगों ने किया है माशाल्लाह से, उसके पीछे क्या जज्बा है? देखिए, हर साल एक इवेंट करते हैं, हमारे लोगों को गैदर करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी सेल्स की टीम है, हर साल ये ऑर्गेनाइज करती है, तो हमारे जो हेड ऑफिस के लोग हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, इवेंट आज़ाद भी होते हैं, अपना एजेंट और जो कस्टमर्स हैं हमारे उन सबको भी हम मधु करते हैं। ठीक है, हर साल रमज़ान की एक, रमज़ान भी एक आपस में मिल बैठ के एक अच्छा सा बिल्कुल माहौल गेट टुगेदर हो जाती है, अफ्तार साथ कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो ज़ुबैर भाई को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिल्कुल एन अफ्तारी होते हैं। ज़ुबैर भाई, अनिल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से आप बताएं? अल्लाह का करम है। अनिल भाई माशाल्लाह से इंतहाई एक्टिव है लोन के ऊपर। अनिल भाई, आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ें रखी है अपने सामने? नहीं, अभी तो माशाल्लाह उधर आपने देखा है अगर, तो पूरा फुल हो चुका है माशाल्लाह, और तमाम किया जा रहा है, तो अभी प्लेटें लग रही हैं। और चलें 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 अनिल भाई, फिर थोड़ा सा टाइम है, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए, आपको खालिद भाई से भी मुलाकात करवाते हैं।
जावेद भाई कैसे हैं आप? बैठे रहे अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसा लग रहा है यहाँ पर आके इफ्तारी में? माशाल्लाह बहुत अच्छी है जुबैर भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार हम लोग बुलवाए यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रहा है। ज़बरदस्त। जाहिद भाई है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन के तमाम मामला देखते हैं। जाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई यहाँ पर आप आए हुए फेज़ वन में और मिल बैठ के अफ्तारी का एक सिलसिला है, तो कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़ा अच्छा है कि एक दफ़ा सारे स्टाफ जो है वो इंडिविजुअल बैठ के इसका नाम क्या है यहाँ पर कर रहा है, इफ्तारी कर रहा है, इज्तमाई एक इफ्तारी हो गई है हमारी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी हम सेठ की तरफ से था, वो भी बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम था। अब ये NTR फेज़ वन की तरफ से जो ये प्रोग्राम हो रहा है ना, एक आपस के अंदर मिल बैठ के दुआ का हो जाएगा प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त। तो वीबर साहब थोड़ा ही सा वक्त रह गया, तो चले हम भी अफ्तारी में शिरकत करते हैं और उसके बाद के हवाले आपसे दोबारा शेयर करें। फेज़ वन में अफ्तारी और डिनर का, अफ्तार और डिनर का जो इंतजाम किया गया था उसमें हमने शिरकत की। बहुत एक भाईचारगी का के मनाजिर हमें नज़र आए, बड़ा मज़ा आया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दिल्ली आबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्मानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।